कुंवरिया में झाबर वाले हनुमान मंदिर पर विश्व कल्याण को लेकर नवकुंडी यज्ञ शुरू, कलश यात्रा निकाली। झापर वाले हनुमान मंदिर परिसर में 7 दिवसीय विश्व कल्याणार्थ नवकुंडीय महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के तहत बैंड बाजों के साथ कलश यात्रा निकाली गई। मंदिर के महंत डॉक्टर बलराम महाराज ने बताया कि यज्ञ महंत रामदास महाराज के सानिध्य में होगा। नरसिंह द्वारा से गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा रवाना हुई, जो मुख्य मार्ग से होते हुए दरवाजा होते हुए सदर बाजार लालपुर चौपाटी स्कूल मार्ग से निकली, जहाँ ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान महिलाएँ अपने सिर पर कलश लिए गीत गाते और नृत्य करते हुए चल रही थी। वहीं पुरुष भगवान के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। यात्रा के दौरान महंत बलराम डॉक्टर बलराम महाराज को बग्गी में बिठाया गया। ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर महंत का स्वागत किया। महायज्ञ 11 फरवरी तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन यज्ञशाला में यज्ञ हवन होगा। अति रुद्र महायज्ञ में जयपुर के पंडित विष्णु महाराज ने विशेष मंत्रोच्चार के साथ मंडप में प्रवेश किया। इसमें यजमानों ने गणपति पूजन ब्रह्म वर्ण कार्यक्रम हुए। इसके साथ ही यज्ञ में आवरी माता मंदिर के महंत सीताराम दास महाराज, मुंगाणा के महंत चेतन दास महाराज सहित वृंदावन हरिद्वार गुजरात राजकोट के कई संत भाग लेंगे। महंत बलराम महाराज ने कहा कि यज्ञ में यज्ञ से श्री राम की उत्पत्ति हुई, यज्ञ से ही देवी देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है। इस दौरान पंडित यशवनी चतुर्वेदी, अमित शर्मा, पूरण शर्मा, पवन पानेरी, जगदीश चंद्र खंडेलवाल, गिरीश दादीच आदि मौजूद थे। उपरली देवली में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न। कुंवरिया कस्बे के उपरली देवली गांव में नवनिर्मित चारभुजा मंदिर पर सूरज कुंड के महंत अवधेशानंद चैतन्य महाराज, आवरी माता के महंत सीताराम दास महाराज, रोकड़िया हनुमान मंदिर के महंत मोनी राम दास महाराज, वणई आश्रम के महंत योगी चेतन नाथ महाराज व महंत लक्ष्मीबाई के सानिध्य में जयकारों के साथ प्रभु श्री चारभुजा नाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई। इससे पूर्व पंडित पुष्कर लाल व्यास के विशेष मंत्रोच्चार के साथ प्रातः पूजन व यज्ञ कर्म प्राण प्रतिष्ठा ध्वजा शिखर पर कलश स्थापना के बाद पूर्णाहुति हुई। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर, जिला प्रमुख रत्नी देवी चौधरी, समाजसेवी माधवलाल चौधरी भी मौके पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने मेवाड़ी पगड़ी व इकलाई पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान गलवा सरपंच माया देवी सोनी, भाजपा मंडल अध्यक्ष शिवचरण सिंह चौहान, ओलनाखेड़ा सरपंच दिनेश वैष्णव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। शहीद भगत सिंह स्कूल में अमृत महोत्सव मनाया। शहीद भगत सिंह उच्च प्राथमिक विद्यालय कुंवरिया में अमृत महोत्सव मनाया गया। कस्बे के प्राचीन किले में मां हिंगलाज के पूजन दर्शन के बाद मां शारदे का पूजन किया गया। इसके बाद आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विद्यालय के बालक शिक्षकों ने सामूहिक 750 बार सूर्य नमस्कार किए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की के नारों से गूंजे वातावरण उत्साहित हो गया। बालकों को प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर संस्थान सचिव लक्ष्मण बंजारा ने अपने विचार व्यक्त किए। विद्यालय के ललिता पालीवाल, ऋषभ बोस्तवाल, ईशा नकुम, भगवती सुतार, शिवराज, राहुल, गायत्री, प्रतिष्ठा, राजेश, गौरव आदि मौजूद थे। बीएन गर्ल्स कॉलेज में शताब्दी महोत्सव मनाया। बीएन गर्ल्स कॉलेज में विद्या प्रचारिणी सभा के शताब्दी महोत्सव के तहत कार्यक्रम हुआ। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अर्पणा शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसआरके कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रचना तेलंग, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विभा शर्मा सहायक आचार्य थे। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ शारदे के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर सरस्वती वंदना के साथ हुआ। उपाचार्य डॉक्टर इंद्र सिंह राठौर ने स्वागत उद्बोधन देकर अतिथियों का सत्कार किया और बताया कि माँ सरस्वती व शिक्षा का गहरा संबंध है, अतः शिक्षा के क्षेत्र में आज बसंतोत्सव एक त्यौहार के समान है। डॉक्टर रचना तेलंग ने कहा कि हमारी संस्कृति को आत्मसात करना चाहिए। डॉक्टर विभा शर्मा ने बताया कि पाश्चात्य संस्कृति में इस तरह डूबे रहे हैं कि भारतीय संस्कृति के मूल्य को भूलते जा रहे हैं। मंच संचालन डॉक्टर संपतलाल रेगर ने किया। इस अवसर पर समस्त स्टाफ व छात्र छात्राएं मौजूद थे। स्कूल में 21 बच्चों को स्वेटर बांटे। राजसमंद जिला मुख्यालय के पास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राज्यवास में गुप्त फाउंडेशन की ओर से स्कूल में बच्चों को स्वेटर बांटे। प्रधानाचार्य सोमपाल सिंह राणा ने बताया कि गुप्त फाउंडेशन ने विद्यालय में 21 निर्धन छात्र छात्राओं को स्वेटर वितरण किए। मौके पर विद्यालय में सोहनी देवी, कुमावत गोदावरी रेगर, पंकज आचार्य, आशा खाटोर, भुवन जोशी, अभय कुमार पारिक व विद्यालय के स्टाफ मौजूद थे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। हिंदुस्तान जिंक महिला एवं बाल विकास विभाग व जतन संस्थान द्वारा संचालित खुशी परियोजना के अंतर्गत कुंवरिया व बागपुरा सेक्टर की कार्यकर्ताओं का शाला पूर्वक शिक्षा को लेकर 1 दिवसीय क्षमता वर्धन प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। कार्यक्रम प्रभारी
इमदाद खान ने बताया कि खुशी परियोजना के तहत राजसमंद ब्लॉक की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ सेक्टर स्तर पर शाला पूर्वक प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें शाला पूर्वक शिक्षा में बुनियादी ज्ञान प्रदान करने और शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित करने के उद्देश्य से शुरू की गई। प्रशिक्षण में क्लस्टर केसर पालीवाल, मीरा कुमावत व रोहित पालीवाल द्वारा कार्यकर्ताओं को 5 आयाम शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक संवेगात्मक विकास, भावनात्मक विकास, रचनात्मक विकास का अलग अलग गतिविधियों से प्रशिक्षण दिया गया। पाणा स्कूल में पोषण आहार का सामान चुराने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। राजसमंद जिला मुख्यालय पर कांकरोली थाना क्षेत्र के पाणा स्कूल में 2 फरवरी रात्रि को पोषण आहार का सामान चुराने के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी लक्ष्मण राम विश्नोई ने बताया कि पाणा निवासी मुकेश पुत्र शंकरलाल कुमावत, किशनलाल पुत्र सोहनलाल कुमावत ने को स्कूल में बच्चों का पोषण आहार चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 2 फरवरी की रात उच्च माध्यमिक विद्यालय पाणा में स्कूल की मुख्य फाटक व पोषण आहार कक्ष, परीक्षा कक्ष, खेल कक्ष का ताला तोड़कर सामान अस्त व्यस्त कर दिया व अंदर पोषाहार से इलेक्ट्रॉनिक कांटा, गैस टंकियां, दूध पीने की गिलासें, स्टेशनरी सामान, सीसीटीवी कैमरा व अक्षय पेटिका का ताला तोड़कर रुपए चुरा कर लेकर भाग गए। दिनांक 2/2/2022 को रात्रि को भाणा स्कूल में अज्ञात बदमाशों द्वारा प्रवेश करके और स्कूल के गैस सिलेंडर को इलेक्ट्रॉनिक कांटा वगैरह ताले तोड़ करके चोरी कर ली। मुन्ने शिष्य द्वारा मैं टीम के मौके पर पहुंच कर गहनता से जांच पड़ताल की और उस आधार पर 2 मुलजिम सामने आए, जिसमें एक का नाम है मुकेश और दूसरे का नाम है किशनलाल। इस वारदात का इतना जल्दी खुलासा किया, मैं पुलिस टीम को भी बधाई देना चाहता हूँ। सामान जो भी चोरी गया था स्कूल से वो सारा बरामद कर कोर्ट में पेश करके क्या रिमांड कर लिया? 2 दिन के रिमांड पर दिया।